ईस्टर का दिन था, लोग चर्च पहुंच चुके थे, प्रार्थना भी शुरू हो चुकी थी। श्रीलंका में ईस्टर रविवार को चर्च और होटलों में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जूनियर रक्षा मंत्री रूवन विजयवर्धन ने रविवार को बताया कि 8 विस्फोटों में 290 लोगों की मौत हुई है, वहीं 500 से अधिक लोग घायल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में 185 लोगों के मरने की खबर है। ज़्यादातर ब्लास्ट में चर्च और होटलों को निशाना बनाया गया है। अब तक 8 धमाके हुए हैं। कोलंबो में संवाददाताओं से मंत्री ने कहा, जब तक चीज़ें सुलझ नहीं जाती तब तक कर्फ्यू लागू रहेगा। श्रीलंका के सरकारी अधिकारियों ने न्यूज़ एजेंसी को यह भी बताया कि फेसबुक और व्हाट्सएप सहित प्रमुख सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। गलत सूचनाओं और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। घायलों और मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। अब आपको बता दें कि पहले ही आशंका जताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों के बारे में श्रीलंका पुलिस के पास पहले से इनपुट था। पुलिस के मुख्य अधिकारी ने 10 दिन पहले अलर्ट किया था कि देश भर के मुख्य चर्चों को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस चीफ बुजुत जयसुंदरा ने 11 अप्रैल को ये चेतावनी दी थी। अपनी तरफ से भेजे गए अलर्ट में जयसुंदरा ने लिखा था कि विदेशी खुफिया विभाग ने जानकारी दी है कि NTG नाम का संगठन आत्मघाती हमलों की तैयारी कर रहा है। हालांकि अब तक किसी संगठन ने इस मामले की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। और भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात कर दुख जताया है। PM ने ट्वीट कर कहा, हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना की कोई जगह नहीं है। भारत श्रीलंका के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। अब आपको बता दें कि कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप नीचे दिए इन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। श्रीलंका में हुए ब्लास्ट के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त से लगातार संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थप्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।